the pain. Hey guys, welcome back to the channel. It's Abhishek with you and this is Swagata. So we've come here to a place called Habtur Palace to celebrate Christmas. Yes, Christmas celebration in Dubai has already started. Now, official date of Christmas is 25th December, but then Dubai always likes to celebrate something much earlier than the entire world. And with very grand style. Look at the Habtur Palace. It's so amazing. It's so big. Yeah, and it's completely lit up. Now, there's not a single spot on this palace which is not lit up. And there's one more thing. Just in front of a palace which is Christmas tree. Now this is tall standing Christmas tree, guys, which is entirely lit up very beautifully. So right now we're just going to enter into the Christmas market. Yes, there's a Christmas market just in front of this palace and it is called Festive Garden. Yeah, so without wasting any further time, let's enter this market and experience amazing Christmas celebrations already going on inside, and I'm sure Santa Claus also is going to come. So stay tuned. Wow, this palace literally looks amazing, isn't it? And there's a Santa Claus as well. So now let's enter into a festive garden. सांता क्लॉस का टाइम पता है इधर आने का? उसका टाइम है स्पेसिफिक यहाँ पे? 6, 7 और 11 ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, अभी पता नहीं वो कभी आएगा नेक्स्ट। व्हाट्सएप पे बिजी है क्या, सोशल मीडिया पे? उसको क्या, उसको आने का क्या हो गया? हम उसके लिए खास यहाँ पे, वो जो देखना था वो कैसा दिखता है? लेकिन मुझे एक नहीं समझ रहा है, 6, 7 ठीक है, 1 घंटे का डिस्टेंस है, 7 के बाद 11। तो अभी टाइम हुआ है 7:45 और अभी नेक्स्ट और 2 घंटा या 3 घंटा सांता क्लॉस इधर आने वाला है नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्ट टाइम है अभी 11 o'clock। तो पता नहीं हम लोग तब तक रुकेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं इतना गैप क्यों रखा है, तेरे को पता है? मुझे पता है। क्या बताओ क्यों? क्योंकि वो ना संता जिम में गया बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लड़की आने वाले उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए वो इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरा फंडा उस पे क्यों लगा रही है। क्योंकि तो ऐसा ही है, किधर भी कुछ भी ब्लॉगिंग हो बाहर या पहले जिम में जाता है, और उसको पता है कि ब्लॉगिंग में उसका खाली फेस ही दिखने वाला है, तो भी तो जाता है। क्या होता है पता है, ये जो हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो फेस पे आता है। तो जैसे ही फेस पे कॉन्फिडेंस आता है, ये देख अभी मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस देख तू सिर्फ, और मेरे भी फेस पे देखे तो वो कॉन्फिडेंस से ब्लॉग और भी अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ जस्ट ब्लॉग से पहले। बाय द वे, हमारा कंटेंट आउट ऑफ कंटेंट हो रहा है, हम आए यहाँ पे क्रिसमस के लिए और यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट। लास्ट टाइम ना दुबई मसल शो गए थे, तब से इसको बहुत ही वो कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम यहाँ पे आई लिंक पे उस पर दे देते, आप वो वीडियो देख लेना। अच्छी मार्केटिंग कर लेती हूँ ना, इसके साथ बैठ बैठ के सीख गई हूँ। ये देखो ऐसा लग रहा है कि हमारे स्वागत के लिए सजा के रखा है। अकेली अकेली और तू किधर है अभिषेक? अभी तो रिसेप्शन का बात छेड़ने, तू मुझे एक ऐसा याद आया, अगर ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल शादी से पहले होता तो क्या शादी में भी तो ऐसे ब्लॉगिंग करता रहता? तो ऐसे ब्लॉगिंग करता पंडित जी तलाव फूला डाका सलाह। इसके लिए मुझे और एक शादी करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है, चलो क्रिसमस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो चलो सिज़लर खाने।
तो अभी हम सीधा हफ्तूर पैलेस से निकल के वाटर कैनाल जाने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि वाटर कैनाल कैसे दिखता है, क्योंकि वो भी बहुत बहुत लिटअप भी है ऑफ कोर्स, लेकिन अमेजिंग भी है। बात है, आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो अपना मेमोरी कार्ड कैमरा के बहुत सारे लेके आओ, क्योंकि बहुत फोटो आप खींचने वाले हो। और एक हार्ड डिस्क भी लेके आओ, शायद वीडियोस भी रहेंगे। वीडियोस भी रहेंगे, हमारे जैसे लोग रहेंगे वो वीडियोस भी लैपटॉप पे लेके आएंगे, हार्ड डिस्क भी लेके आएंगे और सब सब मेमोरी कार्ड लेके आएंगे, भर भर के लेके आएंगे, क्योंकि फोटो की कमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सो हियर इज द व्यू गाइस, डैम दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। We have covered this water canal in detail in one of our vlogs, so do check out guys. If you are already a subscriber of NS Vlogs, it is there already on the channel, and if you haven't subscribed, please do subscribe so that you'll get to watch all such interesting videos. So Swagata is talking home. Yes. Are you done? Yes, I'm talking to you. Hamari team member. Yes. Team member, Babu! Hey guys, so we are done with this amazing waterfall, and after this beautiful waterfall, we are going to have food. Water canal. Yeah, actually water canal. But then there's a waterfall, right? So it makes sense. So after this waterfall, as I said, we're going to have food because we are feeling really, really hungry. And this time we're going to go to Yoko Sizzler. It's not new for them because you always keep getting hungry. Hungry. Hey, Bhagwan. That's true. Actually, hunger is there in our every vlog, isn't it? No. Every vlog. Literally every vlog. Are our car there? There. Okay, so let's go, guys. So here is she, waiting for us. A few moments later. तो ये है हमारा Yoko Sizzler. तो सिर्फ स्वागत है, इसमें बता, रेसिपी बता, इसमें क्या क्या है वो तो बता एटलीस्ट। इसमें पालक है, गाजर है, टमाटो है, चिकन है, फ्राइज है और उसके नीचे राइस है, तो पूरा ये होल मील है। और ये भी है, ये क्या है, लेट्यूस। अच्छा है, तो अभी इसका रिव्यू दे दे। अच्छा, तो इसका रिव्यू ऐसा, ये कुछ ये थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि हमने सेजवान क्या ऑर्डर किया है, सेजवान Yoko Sizzler ऑर्डर किया है, स्पेशल चिकन Yoko Sizzler। ओके, तो ये बताना, मुझे तो पता नहीं ऑर्डर किया क्या, मुझे खाली इसमें इन्ग्रीडियंट क्या है वही पता है। तो ये चिकन बहुत ही टेंडर है, डिलीशियस है और हाँ जूसी भी है। जूसी भी है, राइट, ये करेक्ट वर्ड पकड़ा है तुमने, इसलिए मैं तेरे हस्बैंड चूज किया। एक्चुअली ना हमें ना अभी फूड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फूड तो हम दोनों का फेवरेट पार्ट है और जहाँ जाए वहाँ हम खाते ही रहते हैं, तो इससे हमारा कंटेंट बढ़ेगा ना। मुंबई जब मुंबई में जाके हम लोग बहुत ब्लॉगिंग करेंगे फूड पे, और वो भी स्ट्रीट फूड, खाओ गली पानी पूरी, पाव भाजी, यम। तू बोलेगा इतना सारा सामने खड़ा है, बैठा है सामने चिकन सीजनर, वो छोड़ के तुझे पानी पूरी, पाव भाजी, ये सब याद है। तो अभी फटाक से हम लोग खत्म करते हैं, मुंबई वाले हैं, जहाँ भी जाए पानी पूरी और पाव भाजी के बिना रुक नहीं सकते।